हितग्राहियों के खाते में सीएम बघेल ने भेजी राशि, बटन दबाकर बेरोजगारी भत्ते की राशि को सभी के खातों में किया गया ट्रांसफर। बिलासपुर में सीएम बघेल ने जेपी नड्डा के दौरे को लेकर दिया बयान, कहा नड्डा अपने प्रदेशाध्यक्ष का भी थोड़ा रखे मान, हो सके तो प्रदेश में उड़ान योजना को नड्डा जी करवा दे शुरू। बिलासपुर में कांग्रेस का बूथ चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची कुमारी सहेजा, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। केंद्र के 9 साल हुए पूरे गुना में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली, मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। और आपकी महारैली को लेकर सियासत गर्म, 1 जुलाई को ग्वालियर में होगी आपकी महारैली, बसों का परमिट नहीं मिलने पर हो रही जबरदस्त बयानबाजी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में, मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर बिलासपुर से है जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय से बटन दबाकर बिलासपुर सहित पूरे राज्य भर के बेरोजगारी भत्ता योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की है। इसमें बिलासपुर जिले के बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत कुल 1,17,10,000 और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9,99,64,000 रुपए की राशि शामिल है। वहीं इस कार्यक्रम में जिला कार्यालय बिलासपुर से महापौर रामशरण यादव, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय, नगर निगम के सभापति शेख नजरुद्दीन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के बूथ चलो अभियान में शामिल होने शुक्रवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर कहा कि बीजेपी के सभी नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अमित शाह आए, गिरिराज सिंह आए, नड्डा भी आ रहे हैं और उसके बाद पीएम मोदी भी आ रहे हैं, अच्छी बात है कि आना भी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिलासपुर दौरे पर हैं, तो नड्डा जी अपने प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव का भी थोड़ा मान रखे, उड़ान योजना जो बंद है उसे फिर से शुरू करवा दीजिए। अब खबर बिलासपुर से है जहां कांग्रेस के बूथ चलो अभियान में शामिल होने पहुंची प्रदेश प्रभारी कुमारी सहेजा ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिलासपुर दौरे को लेकर कहा कि जो बीजेपी के 15 साल के कुशासन का धब्बा लगा है उसे मिटाने की कोशिश में है बीजेपी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबको लेकर चलती है, इसलिए कांग्रेस के साथ जनता खड़ी है। देखिए, केवल वक्ता होना अपने आप में बात नहीं है, बहुत अच्छे वक्ता तो हमारे अच्छे अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स, ऑरेटर्स होते हैं, बात उससे नहीं बनती। और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से बात नहीं बनती, विदेशों में भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, बात उससे नहीं बनती। बात यह है कि आप जब मुखिया बनते हैं देश के, प्रदेश के, तो आपकी एक जिम्मेवारी होती है, एक कर्तव्य होता है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कर्तव्य को कहते हैं। अपना धर्म निभाना हर एक इंसान का कर्तव्य है और वो धर्म लोगों के प्रति एक लोकतंत्र में होता है। अगर हमारे किसी भी बाजू में चोट लगे, खून निकले, तो हम उस पर मरहम लगाते हैं। तो मणिपुर में जो इतने समय से महीने से हो रहा है और फिर भी काबू नहीं आ रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर जाना चाहिए था, जो आप कहते हैं बेशक शब्दों से ही मलहम लगाते, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। खबर गुना से है जहां केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बीजेपी युवा मोर्चा ने बाइक रैली का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि युवा मोर्चा की बाइक रैली का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित कई नेता शामिल हुए। मौके पर नेताओं ने केंद्र की उपलब्धियों को लेकर लोगों से चर्चाएं भी की। खबर जबलपुर से है जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बू ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो हरेंद्रजीत सिंह बब्बू के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा चल रही है। वहीं इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है।
ग्वालियर में 1 जुलाई को होने जा रही अरविंद केजरीवाल के महारैली को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन बसों का परमिट न मिलने से आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां जबलपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरे महाकौशल क्षेत्र से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को सुनने ग्वालियर जाने की तैयारी में है, लेकिन बसों को परमिट नहीं दिया जा रहा है। जबकि आम आदमी पार्टी ने कई हफ्तों पहले से ही बसों की बुकिंग कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की महारैली को कमजोर करने के लिए कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश की है प्रदेश सरकार ने, क्योंकि प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं से अब डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने पैर इस तरह जमा रही है कि उनको अब यह लगने लगा कि हो सकता है 2023 में हमारे पांव उखड़ने लगे। इसलिए प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो साजिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, कार्यकर्ताओं को परेशान करके, और हमने इस रैली का आह्वान पहले भी किया था माननीय अरविंद केजरीवाल ने, 25 जून को ये कार्यक्रम पहले भी था, लेकिन उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि इसी कार्यक्रम को रोकने के लिए 24 तारीख को ग्वालियर में उसी मैदान में उसी टाइम पे उसी जगह उन्होंने एक लाडली बहना योजना का प्रोग्राम कर दिया था। उस प्रोग्राम को स्थगित करके फिर हम लोगों को दोबारा डेट मिली, वो भी आसानी से नहीं मिली। कार्यकर्ताओं को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, कलेक्ट्रेट के सामने धरना देना पड़ा, ये सब धरने वरने उसके बाद उनको 1 तारीख की फिर डेट दी, लेकिन उनको लग रहा है कि 1 तारीख को ये जन सैलाब एक बार फिर उमड़ेगा और हो सकता है आने वाले समय में ये शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बड़ी तकलीफदायक हो जाएगी। अब खबर खरगोन से है, जहां महेश्वर विधायक और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की बहन परमिला साधो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस दौरान परमिला साधो ने कहा कि कुछ परिस्थितियां और आत्मसम्मान आपको मजबूर कर देता है सही दिशा के लिए, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। देखिए, मैं सभी को बता चुकी हूं, कुछ परिस्थितियां और आत्मसम्मान आपको मजबूर कर देते हैं कि सही दिशा में सही निर्णय लेने के लिए। आज वो वक्त आ गया था तो मैंने निर्णय ले लिया, और परिवार में जरूरी नहीं सबके विचार एक जैसे हों, विचार में मतभेद हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हैं। पार्टी, मैं मामूली सा एक बहुत अदना सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी अगर उचित समझेगी, मुझे उस काबिल समझेगी तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। खबर रायगढ़ से है, जहां शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश सह मंत्री स्वाति रजवाड़े ने के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन में मांग की गई है कि इस वर्ष बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा के एक विषय के प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के थे, जिसकी वजह से परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद इस विषय में अधिकांश परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद की मांग है कि इस विषय में विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए जाएं। मामला ये है कि जो रायगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके जो परीक्षा के परिणाम है वो गलत रूप से आए हैं, जिसको लेकर के विद्यार्थी आज आक्रोश में आकर के ज्ञापन दिए हैं। विषय ये रहा है कि जो बीएड की जो परीक्षा रही है उसपे विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से फेल कर दिए जाना, जबकि प्रश्न पत्र गलत आए थे। ये सभी लोगों को पता है कि प्रश्न पत्र गलत आए थे, और गलत आने के बावजूद भी जब बोला गया कि बोनस अंक मिलेगा, तो यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कुलपति जी के द्वारा कि बोनस अंक सीधा से ही नहीं मिला जाएगा। और जब हम अपने विषय को रखते हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे साथ मारपीट भी की जाती है, झपट भी की जाती है, आवेदन भी दिए हैं, आश्वासन नहीं मिला है हमें जो चाहिए था, हमको विद्यार्थियों को नहीं मिला है। अल्टीमेटम लगा है कि 7 दिन के अंदर में फिर से रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करके रिमार्केबल फिर से रिजल्ट जारी करेंगे। अब देखा जाएगा कि वो 8 दिन के अंदर में ये चीजें होती है कि नहीं। आश्वासन के रूप में हम तो पूरे रूप से दुखी होके जा रहे हैं। हमको सूचना मिला था डीएसपी के माध्यम से कि वहाँ कुछ एजिटेशन करेंगे विद्यार्थी परिषद, तो उस बेसिक पे हम लोग यहाँ सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। और जैसे उनका विद्यार्थी परिषद भी लोगों का कहना है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आए थे, इसके बावजूद नंबर नहीं दे रहे हैं,
उनकी मांगों को लेकर के इन्होंने थोड़ा सा एजिटेशन किया। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने थोड़ा जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया जिसको पुलिस ने रोका है। बीएड प्रथम वर्ष के छात्र कुछ छात्र आए थे और इसमें उनका ये निवेदन था कि जो एक पेपर में उनके जो अंकों का कम हुए हैं उस संबंध में उनको अपना कुछ शिकायतें थी, उनसे आवेदन लिया है और शीघ्र हम जो है विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक में उनके आवेदन को विचारार्थ रखेंगे और उस पर जो विद्या परिषद की स्थायी समिति का निर्णय होगा तदनुसार उनको सूचित किया जाएगा। खबर भिंड से है जहां बीते दिनों दबंगों ने पार्षद पति रामहेत के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की, जहां वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आपको बता दें कि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। वहीं पार्षद वार्ड अपने वार्ड में निरीक्षण कर रहे थे और उसी समय उन पर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और क्रॉस केस कर दिया है, जिसके आधार पर हमने एसपी साहब को जांच के लिए पूरी आवेदन दिया है और पूरे कोली समाज के समाज जी। मतलब किस बात की सुनवाई नहीं हुई, क्या मामला? मतलब जो धाराएं लगी थी और जो मेरी समस्या है ना, जो हमारे समाज के लिए कोली समाज के तुम्हारे चाचा जी रामेश साग पार्षद है पार्षद हैं, तो उनके उन पे मतलब जानलेवा हमला किया गया है और उनकी कोई सुनवाई और धाराएं हम लोगों की सेम कर दी है। कब हुआ था ये झगड़ा? 27 तारीख को शाम को 6 से 7 के बीच में हुआ था। किससे हुआ था? रवि राजवीर बघेल हैं और रवि बघेल, शीला देवी और नाम एक रविंद्र बघेल, इन लोगों किस बात को लेकर विवाद? ये नाली के पीछे विवाद हुआ था। अभी तक आपकी FIR ले ली है, लेकिन बस हमारी और उन्होंने दोनों में क्रॉस केस कर दिया, सेम धारा कर दी है। और हमारे यहाँ पर जो हमारे बड़े दाऊ हैं मायाराम साग, वो ग्वालियर में भर्ती हैं, तो उन्होंने ICU वार्ड में भर्ती है। उनके गंभीर समस्या है, गंभीर चोट है उनके अंधों ने, उनके मेरी ताई को भी मारा गया है। अब खबर इंदौर से है जहां एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक स्कूल वैन में अचानक से आग लग गई। बता दें कि स्कूल वैन बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी और उसी दौरान उसमें अचानक से आग लगी। वहीं गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त BSF के जवान तैनात थे, जिन्होंने सभी बच्चों को वैन से सकुशल बाहर निकाला। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सुबह जानकारी मिली थी कि SNB स्कूल की जो एक वैन है जो बच्चों को लेके जाती है स्कूल, जो कि बोहरा कॉलोनी से निकली थी और माणिकबाग की तरफ जा रही थी, वो एरोड्रम थाना क्षेत्र में उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण वैन में आग लग गई थी। पर वहीं पर क्योंकि BSF के जवान वहीं तैनात रहते हैं, BSF के गेट्स हैं वहां पर, जो मौजूद थे उन्हें तत्काल अपना परिचय देते हुए फटाफट सभी बच्चों को वैन से बाहर निकाला, ड्राइवर को बाहर निकाला और ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी किसी भी प्रकार का हार्म ना हो। वहीं पर जब क्योंकि आग ज्यादा बढ़ गई थी, फायर ब्रिगेड को भी इंटीमेट कर दिया गया था, तो फायर ब्रिगेड आई, उसकी आग बुझाई गई है। ये जितने भी वैन संचालक हैं और इन सब के लिए भी अब थाना प्रभारी को बोला है कि एक बैठक बुलाएंगे और बैठक बुलाने के बाद इसमें ये पता करेंगे कि भाई इन गाड़ियों का बकायदा मेंटेनेंस चेक हो रहा है कि नहीं। खबर इंदौर से है जहां कलेक्टर ऑफिस के लेखा विभाग में पदस्थ एक बाबू बिलाप चौहान के द्वारा कार्यालय के अकाउंट में किए गए 5,60,00,000 के गबन के मामले में कलेक्टर ने अब मिलाप की संपत्ति के कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन अभी इस मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। उनकी ना जितने भी संपत्ति है, मतलब जिनसे ना ये शासकीय ना राशि का ना गबन हुआ है, उसको हमको RRC के माध्यम से भी उनसे ना वसूली किया जा सकता है। सो हम लोग RRC प्रक्रिया को हम लोग ना चालू कर रहे हैं। कितने भी संपत्ति है उसका मैपिंग करेंगे, उसका नीलामी करके वो अमाउंट है ना शासकीय ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा। खबरधार से है जहां पिथमपुर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3 में स्थित JK एंटरप्राइजेज शराब कंपनी के श्रमिकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वाहन में कुछ लोग तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने FIR दर्ज कर वीडियो के आधार पर 2 लोगों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में बूथ चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देवघर में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों की जवाबदेही तय की जा रही है। वहीं दुर्ग संभाग इसकी शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में
साझा विधानसभा में भी बूथ चलो अभियान में बूथ कमेटी के सदस्यों को संबोधित करने प्रदेश के वरिष्ठ नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा नगर पंचायत देवकर पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए घर घर जाकर लोगों तक सरकार के द्वारा किए गए कार्य को पहुंचाने की बात कही और आगामी चुनावों को लेकर तमाम चर्चाएं भी की गई। आह्वान पर बूथ चलो अभियान का शुरुआत हुआ है, पूरे संभाग है, पूरे प्रदेश में हुआ है और इसी कड़ी में आज दूर संभाग में प्रत्येक जिलों में प्रत्येक ब्लॉकों में आज बूथ चलो अभियान के तहत बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए, कांग्रेस कमेटी के बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए और इसी कड़ी में हमारे बीच वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी पहुंचे हुए। हम उनसे जानना चाहेंगे कि बूथ चलो अभियान के कांग्रेस क्या संदेश है, सर बताएंगे। समझिए, देखिए पूरे प्रदेश में एक साथ बूथ चलो अभियान का प्रारंभ हुआ है, इसमें सभी जगह बूथ कमेटियां बनी है और जोन सेक्टर कमेटियां बनी है। माननीय रविंद्र चौबे जी का क्षेत्र बहुत मजबूत क्षेत्र है, चौबे जी का आशीर्वाद कार्यकर्ताओं का है और कार्यकर्ता की मेहनत पर हम सब प्रसन्नता जाहिर करते हैं। हमको गर्व है कि इस क्षेत्र के कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, सब जगह बूथ कमेटियां बन चुकी है, जोन कमेटी बन चुकी है, सेक्टर कमेटी बन चुकी है और संतोष वर्मा जी ने खूब मेहनत की है, आरण बलदाव मिश्रा जी से वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद इनको मिला है। इस क्षेत्र में मजबूत आधार कांग्रेस का है, माननीय रविंद्र चौबे जी की मेहनत उनका कार्य प्रणाली अद्वितीय है, तो बहुत विद्वान हो रहे थे हमारे योग्य हमारे माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है, पहले से ही बूथ कमेटियां बन चुकी है। मैं इस बात को लेकर बड़ा प्रसन्न हूँ, भाई संतोष गोला जी को बहुत बधाई देता हूँ। सर कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है इस बहाने? देखिए कार्यकर्ता तो चार्ज पहले से ही आ रहा है, कोई कोई कार्यक्रम होते रहता है, माननीय मंत्री जी का दौरा भी यहाँ काफी घनिष्ठ सघन को दौरा होता है, कार्यकर्ता उनके साथ है, कार्यकर्ता हमेशा तैयार है और चुनाव के लिए कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की बहुत जबरदस्त काफी लीड से माननीय रविंद्र चौबे जी जीतेंगे, इस बात का हमको सबको TS बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया छत्तीसगढ़ के पहली बार, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अंतर कलह को समाप्त किया? समन्वय की स्थिति बनी है, समन्वय से हर काम अच्छा होता है और मिलजुल के सब वो काम करेंगे, इस बात के लिए भी एक निर्देश हुआ है। हम सब एकता के साथ सभी कांग्रेस के नेता सभी कार्यकर्ता एकजुट से एकजुटता के साथ कांग्रेस का चुनाव अभियान शुरू करेंगे, एक साथ रहेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, ये हमारा नाम है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी चर्चा कर रहे थे सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता विजय चौबे, साधना प्लस बेमेतर। खबर सरायपाली से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक और युवती द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा कार में उड़ीसा से महासमुंद होते हुए रायपुर ले जाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए NH-53 पर घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 200 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारे यहाँ जो अंतर्राज्यीय नाका लगा हुआ है उस पर सवेरे सवेरे चेकिंग के दौरान एक चाइलो गाड़ी में 200 किलो गांजा और दो तस्कर मौके पर गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे और रायपुर लेके जा रहे थे। दोनों पश्चिम बंगाल, एक मुर्शिदाबाद का और एक दोनों ही पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं स्त्री पुरुष। अभी तक हम लोग करीब करीब 11 करोड़ का गांजा हमारी पुलिस द्वारा इस वर्ष पकड़ा गया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने करीब 10 करोड़ के वाहनों को भी जब्त किया गया है और 110 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सर, ये जायलू से गांजा लेकर जा रहे पुलिस को कैसे क्या सूचना मिली थी और किस प्रकार से उनको? ये पुलिस को सूचना मिली थी और हम लगातार चेकिंग, हमारी जो अंतर्राज्यीय गांजे के लिए जो नाका प्रशासन द्वारा स्थापित किया गया है उस लगातार चेकिंग होती है, इसी चेकिंग के दौरान ही पकड़े गए।
खबर झबुआ से है, जहां धांधला के पास गांव तलावली में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक अपने 2 पहिया वाहन से तलावली की ओर सजेली फाटक के पास चल रहे थे। वहीं इस दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। वहीं शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक रोहित मुजालदे ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एम्बुलेंस को भेज दिया गया था, लेकिन जबरदस्त दुर्घटना होने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर धमतरी से है, जहां जिले के अंदरूनी इलाके के गांव कोरमुंड में ग्रामीण इन दिनों आवागमन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दुधावा से कोरमुंड गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क और पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में स्कूली बच्चों समेत ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह सड़क पिछले 15 सालों से खराब है। खराब सड़क और पुल को बनाने की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क बनाने की मांग जिला प्रशासन से की है। वहीं ग्रामीणों ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं देने की बात कही है। इतना ही नहीं, वर्षों से रोड की समस्या को लेकर जूझ रहे कोरमुंड के लोगों ने अब आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भी कर दी है। ग्रामीणों ने इस बहिष्कार को लेकर कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड बहुत खराब है सर, 2013 से हम देते देते आ थन, हमन अभी तक हमारे सरकार कोई नहीं सुने, सुनवाई नहीं करे। हमन जो नहीं पढ़ पाए ना, तो हमारे बच्चा मन भी वैसे होते, ओकर कारण अब 15 साल हो गए हमन देते देते आ थन, तो रोड नहीं बने ओकर कारण आज हमन हर रोड नहीं तो वोट नहीं, ये मांग बा हमन आए हैं। आज हमार लड़का मन जैसे हमन हन तैसे वह मन हर पिछड़ गए हैं, पढ़ाई लिखाई की मात्रा में बहुत कम हो गए हैं, ओकरे कारण हम आज हमन हाँ ओकरे वाहन पिछले 21 तारीख को आ रहे हैं डिप्टी कलेक्टर दे हन अपन नहीं जा सके रोड के खराब के नाम के रोड में खराब ना, तो ओकर नाम लेके स्कूल नहीं जा सके ओकर कारण, और पुलिया भी क्षतिग्रस्त है। अब वो का कहते बरसात आ गए ना, तो अब हमारे राशन भी नहीं मिल पाए, राशन भी नहीं पहुंच पाए हमारे गांव में। रोड बहुत खराब है सर, कुछ मतलब चलने लायक है नहीं, गिट्टी इतना उखड़ा है तो बताऊं क्या, बहुत जर्जर स्थिति में है, बहुत खराब है। हम लोग 13 से मतलब आते आ रहे हैं, मतलब शासन हम आवेदन करते करते आ रहे हैं शासन को कि रोड बना दो, पक्की रोड। विधायक भी आते हैं पर जितने चुनाव में आते हैं बाद में भूल जाते हैं, पता नहीं सर क्या वजह है, अब वो शासन जानेगा और नेता लोग जानेंगे। नहीं सर नहीं आता, जैसे राजस्व चुनाव के समय बोलते हैं कि हम बना देंगे, आने हम अगर जीतते हैं तो बना देंगे, जितने बताते ही नहीं है। चुनाव बस चुनाव पहले आते हैं उसके बाद आया ही नहीं है, चुनाव जीतने के बाद एक बार आए थे बस आई नहीं, वोट डालेंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे। मेरे पास 3-4 लोग आए थे जो 3.5 किलोमीटर जो रोड बननी है दुधावा से कोरमुड़ तक, तो आज भी बन नहीं पाया करके बता रहे थे, आवेदन भी प्रस्तुत है। मैं फोन लगाया था PWD जो नेताम साहब हैं, तो फोन तो उठाया नहीं। कल TL में आएंगे तो उनसे बात करूंगा कि बजट में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। चलिए काम हो जाता है तब तो बात नहीं आएगी चुनाव का, है ना, और काम होगा कि नहीं होगा वही स्पष्ट कर देंगे तो हम जनता को सूचित कर देंगे। महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने जिले के समस्त थाना प्रभारी को नाबालिग बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद सभी थाना प्रभारी गंभीरता से मामले का निराकरण कर रहे थे। और इसी दौरान सरायपाली थाना प्रभारी ने भी मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पॉस्को एक्ट में फरार चल रहे आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 19 जून को पार्थी ने थाने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके नाबालिग को आरोपी ने बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है। पार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना सरायपाली में धारा 363 कायम कर आरोपी की तलाश की जा रही थी, और इस दौरान थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। यह थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 157/23 धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना के मुखबिर से पता चला कि आरोपी सोनू यादव जो झेलमिला का रहने वाला है, पीड़िता को लेके ये बाला फुसला के ले गया था बिलासपुर, भुवनेश्वर पूरी घुमाया, ये वहाँ से घुमा के सोहेला में किराए के मकान में दोनों रह रहे थे।
पीड़िता को बाला फुसला कर ले गई थी, उसके साथ में थी, उसको जबरन बाला फुसला कर ले गया था और डरा धमका कर उसके साथ गलत काम कर रहा। आरोपी को धारा 363 वाले से दर्ज था, उसके पीड़िता के बयान के आधार पर 366, 376, 2 ढ 5 को एक्ट कायम कर रिमांड पर भेजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।